आप लोग चलिए आज नेक्स्ट मिनट करते हैं, आज पानी में अंडा को तैयार के देखते हैं कैसे तैयारता है अंडा, आज जानते हैं उसके पीछे क्या फिजिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए क्या चाहिए हमें, पहला गिलास, दो गिलास चाहिए, एक चम्मच चाहिए जो कि है मेरे पास, और चाहिए एनएसएल, एनएसएल नमक भी चलेगा, नमक डाल लीजिएगा ये, और चाहिए दो अंडा, दो अंडा चाहिए, ये दो अंडा हो गया। चलिए देखते हैं पहले कि प्लेन पानी में अंडा होता क्या है। ठीक है, ये रहा हमारा प्लेन पानी, ये रहा मेरा प्लेन पानी, ठीक है, ये रहा मेरा प्लेन पानी, प्लेन पानी में देखते हैं क्या होता है। ये रहा प्लेन पानी, ये देखिए अंडा डूब गया, ये देखिए अंडा डूब गया इसके अंदर, ये दोनों डाल लगेगा आपको क्या एक चौर भी, ये अंडा ये डाले दोनों डूब गया, ठीक है, ये देखिए डूब गया अंडा। अब चलिए करते हैं इसको तैरा के दिखाते हैं कि तैरा कैसे, पानी में अंडा तैरा कैसे, चलिए डूबा अंडा करके। चलिए उसके लिए पहले क्या करना होगा, हमें इसके लिए हमको पहले इसे एनएसए डालना होगा, एनएसए डालने के बाद ये थोड़ा मिला लिया, थोड़ा मिला दिए, मिलाने के बाद क्या लगता है अंडा तैरेगा या डूब जाएगा, चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा अंडा, अब देखते हैं ये, चलिए देखते हैं तैरेगा ये या डूबेगा, बताइए आप लोग कमेंट में। ये देखिए अंडा तैरने लगा, ये देखिए अंडा तैरने लगा, ये अंडा देखिए तैरने लगा, ये चम्मच इसको डालिए ताकि डूब जाए, नहीं फिर भी ये तैरना है, मतलब अंडा तैर रहा है ये। इससे क्या पता चलता है हमें, इससे हमें क्या पता चलता है कि अंडा खारा पानी में तैरता है, इसके पीछे क्या फिजिक्स है, चलिए जानते हैं फिजिक्स क्या है। ये अंडा साधारण पानी में, साधारण पानी का घना तो कम होता है, अंडा डूब जाता है, और ये हमें एनएसएल डालने के बाद घना तो बढ़ जाता है पानी का, जिससे अंडा तैरने लगता है। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।